ये रात की बड़ी अलामतें हैं, और इस एक रात की इबादत अल्लाह ने 80 साल से बढ़ कर की। इसीलिए जब ये रात आए तो इसमें मगरिब के बाद गुस्ल करना सुन्नत है। बाद मगरिब हुजूर अलैहिस्सलाम का मामूल है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद मगरिब गुस्ल फरमाते थे। उसके बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में इबादत करना इस रात को पसंद करते थे। घर में भी कर सकते हैं, लेकिन बल्कि सहाबे किराम तो शबे कद्र में नए लिबास का एहतमाम करते थे, नए कपड़े वो पहनते थे शबे कद्र में। कुछ सहाबा तो एक ही लिबास सिला कर रखे हुए थे, जैसे हज़रत अनस इब्ने खुज़ैमा वगैरह, कि ये हजरात उसी रात में वो लिबास पहनते थे और फिर किसी वक्त उस लिबास को इस्तेमाल नहीं करते थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, अगर हम शबे कद्र पाएं तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी इबादत करें, अल्लाह को उस रात कौन सा अमल सबसे ज्यादा पसंद है? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो रात तुम्हें मिल जाए तो कसरत के साथ दुआ करना, क्योंकि उस रात अल्लाह को दुआ बहुत पसंद है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह दुआ तो करें, कौन सी दुआ ज़्यादा करें, वो भी सिखा दें। तो आका ने फरमाया कि यूं कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तू अफ़ू है, तुझे माफ़ करना बहुत पसंद है, सो तू हमें माफ़ फरमा दे। इस रात तौबा करो कसरत के साथ, हो सके तो सलातो तस्बीह का अहतमाम करो, हो सके कुछ नवाफिल पढ़ो, और जब रात का आखिरी पहर आ जाए तो फिर दुआ में मसरूफ हो जाओ, और हो सके तो सहरी तक दुआ का अहतमाम करो, क्योंकि ये रात जागना अपने मुकद्दर को जगाना है। जो इस रात को जग गया वो 80 साल इबादत में आगे हो गया। और ख़ास तौर पर बहुत अहम बात अर्ज करने जा रहा हूँ, जितनी इबादतें भी आप करते हैं अल्लाह उसको कबूल कर ले तो उस पर इनाम क्या मिलता है। जैसे किसी ने हज किया तो हज करने वाले के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, वो ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हो। इसी तरह जुमा की नमाज पढ़ के जाने वाला हफ्ते भर के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इसी तरह रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने वाला गुज़िश्ता रमज़ान शरीफ और इस रमज़ान शरीफ के दरमियान जितने गुनाह किए थे अल्लाह सब माफ़ कर देता है। सारे गुनाह माफ़ होते हैं, लेकिन शबे कदर की एक इनफरादी खसूसियत यह है, जो हज में भी नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो हज में भी नहीं है, जो रमजान शरीफ के रोजों में भी नहीं है, अगर किसी को शबे कद्र मिल गई तो इनाम क्या मिलता है। आका फरमाते हैं, अगर किसी को शबे कद्र मिले और वो उसमें इबादत कर ले तो अल्लाह इनाम क्या अता करता है, जितने गुनाह किया है वो भी माफ कर देता है, और जो अभी किया नहीं है करने वाला है अल्लाह उसको पेशगी माफ फरमा देता। कितना बड़ा करम है, लेकिन शबे कदर मिलना चाहिए और वो मुतय्यन नहीं है, लेकिन हम तो बस अल्लाह पर उम्मीद करते हुए जय वो शबे कदर में इबादत करते हैं। अल्लाह फरमाता है, खैरुम मिनल फिशहर, यहां तक आपने सुना, अब इस ये हजार महीनों से अफजल है, बराबर नहीं अफजल है,